अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, बिहार पुलिस का एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आपको समझना चाहिए कि किस तरह से टॉपर पढ़ाई करते हैं और इस एग्जाम को निकाल पाते हैं। उसका सिलेबस और एक डिटेल सिलेबस की क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए अगर हम तैयारी करते हैं बिहार पुलिस का, तो इसका भी ट्रिक भी है ना कि गुखितो सैलो, गुखितो सैलो। जैसे यहाँ से आपको पूरा वंश मिल जाएगा, जैसे गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश ने शासन किया था दिल्ली पे। तो यहाँ से आइए शुरू करते हैं आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए कि कैसे आप यहाँ पे बिहार पुलिस में जीके जीएस को कवर कर सकते हैं। आपको हम बताएं कि जीके से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा 35 क्वेश्चन लगभग में जीके से आता है, जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से। और जीएस से कितना आता है, तो 30 से 32 क्वेश्चन। लेकिन जीके में जो 35 क्वेश्चन आता है वो कहां कहां से आता है, तो इतिहास से आता है, भूगोल से आता है, संविधान से आता है, अर्थशास्त्र से आता है, विविध से आता है। तो 6 से 8 क्वेश्चन लगभग आपका इतिहास से पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन। अब ये 6 से 8 क्वेश्चन में से भी अगर आप गहराई आपको बताएं तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, और 6 से 8 क्वेश्चन भूगोल से भी पूछा जाएगा। भारत का भूगोल पढ़ने का ज्यादा प्रयास करिएगा, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दो भाग में बांटा गया भूगोल को, तो आप लोग को भारत का भूगोल पे ज्यादा फोकस करना है, वहां से क्वेश्चन बनेगा, नदी, झील, प्रपात, झरना। अभी हम बेसिक थोड़ा सा ये समझा रहे हैं क्या क्या पूछता है। पॉलिटी हो गया आपका संविधान से क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्वेश्चन आपका आता है कितना, 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आएगा। इसको थोड़ा सा कम ही रखिएगा, टॉपिक बता देंगे कहां कहां से क्वेश्चन आता है वो पढ़ लीजिएगा। पॉलिटी से 7 से 9 क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा पूछा था, पॉलिटी इंटरेस्टिंग है और पढ़ने में मजा आता है। विविध से भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछाता है। तो ये आपका हो गया इसको। हिस्ट्री की अगर हम बात कर लें, हिस्ट्री में कहां से प्रश्न आएंगे, तो आप जानते हैं हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया, आधुनिक भारत, मध्यकालीन और प्राचीन। अगर हम आधुनिक का बात कर लें तो आधुनिक में क्रांति वगैरह से प्रश्न आते हैं और डेट वगैरह ज्यादा पूछे जाते हैं, और गांधी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मॉडर्न में तो समझिए कि गांधी का क्वेश्चन आना ही है अगर मॉडर्न से आता है तो, ठीक है। फिर 1957 में जो क्रांति हुआ था इसको भी आप लोग को देख के जाना है। तो आधुनिक में इतना चीज आप लोग देख लीजिएगा, डेट वगैरह थोड़ा सा। गांधी से संबंधित बहुत सारे आपको, सिर्फ गांधी यहाँ पर लिख दिए इसका मतलब ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है। गांधी जी के जितने भी आंदोलन है, जब से वो अफ्रीका गए थे, फिर असहयोग आंदोलन, बहुत सारे सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे ऐसे गांधी जी के आंदोलन है जो आप लोगों को याद करते करते 5 दिन लग जाएगा। तो ये सब टॉपिक आप लोगों को देख के जाना, वहाँ से प्रश्न डेट सहित पूछ दिए जाते हैं, तो ये दिक्कत है। फिर 1957 की जो क्रांति, 1857 होगा यहाँ पे, 1857 की जो क्रांति हुई थी, इससे ये प्रश्न आप लोग को देखे जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप बात करते हैं मध्यकालीन भारत का, मध्यकालीन में कहाँ से प्रश्न आएंगे, तो मध्यकालीन में थोड़ा सा ज़्यादा युद्ध वगैरह हुआ है, जो बाबर का कह लें और भी दिल्ली सल्तनत का कह लें, तो युद्ध वगैरह से प्रश्न आएंगे, वो डेट बना के प्रश्न आ सकते हैं। फिर उसके बाद मुगल वंश से थोड़े से प्रश्न आ सकते हैं आपको, 2-3 प्रश्न मुगल वंश से देखे जाएंगे कि चित्रकला में कौन सा प्रसिद्ध था, स्थापत्य कला के लिए कौन था, तो नॉर्मल ही प्रश्न, ज़्यादा डीप में नहीं आते हैं वहाँ से। और दिल्ली सल्तनत से भी आपको प्रश्न देखे जाएंगे, और दिल्ली सल्तनत का बात करें तो इसका भी एक ट्रिक भी है ना कि गुखितो सैलो, गुखितो सैलो। जैसे यहाँ से आपको पूरा वंश मिल जाएगा, जैसे गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश ने शासन किया था दिल्ली पे, तो यहाँ से प्रश्न आपको जरूर बनेंगे, 1-2-3 प्रश्न भी बन सकते हैं दिल्ली सल्तनत से सिर्फ, ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा। फिर बात कर लेते हैं हम लोग प्राचीन भारत का, प्राचीन में कहाँ से आएंगे, तो सिंधु सभ्यता, तो मतलब आप लोग को रट के जाना है, यहाँ से प्रश्न हमेशा देखे जाते हैं, और जितने भी प्रश्न कर लीजिए 2-3-4-5 प्रश्न आपको सिंधु सभ्यता से कहीं से भी पूछ दिए जाएंगे, सिंधु सभ्यता का आप लोग को देखे जाना है, बौद्ध से भी पूछे जाएंगे, जैन से भी पूछे जाएंगे, ये दोनों सभी की त्रिपीठक किसका है, त्रिरत्न किसका है, तो इस टाइप के प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। बौद्ध का जन्म क्या हुआ, उनकी बहुत सारी सभाएं थी, वो कहां हुई, सभा से भी प्रश्न आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद मगध, मगध पे जितने वंश ने शासक किया था, इसका भी एक ट्रिक है, हसीन मसूख सा, बहुत सारे वंश ने शासन किए थे, तो उससे भी क्वेश्चन आएगा। फिर मौर्य से तो स्पेशल लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन आना ही है, मौर्य वंश से क्वेश्चन आता है जितना भी, उसके बाद अशोक वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये प्राचीन भारत को आप लोग को पढ़ लेना है किसी भी बुक से। बात करते हैं ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी में हम कहां से बात करेंगे, भारत का भूगोल, नदी, झील, जलवायु, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी में, मतलब कि कह सकते हैं भारत के भूगोल से प्रश्न ज्यादा आएगा। विश्व का भी भूगोल होता है, भारत का भी होता है, लेकिन भारत के भूगोल से प्रश्न ज्यादा। फिर नदी के, नदी से भी प्रश्न इसमें देखे जाते हैं, नदी वगैरह बहुत सारी नदियां हैं भारत में, बहुत सारी नदी है, तो सबसे सिंधु, सतलज, आबी, ब्यास, सबसे प्रश्न जो है आपको मिल जाएगा भूगोल में अगर प्रश्न आएंगे तो। फिर झील से संबंधित, कौन झील कहाँ है, कौन नदी कहाँ है, इस टाइप के प्रश्न। जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है, कब शुरू होती है, कहाँ से आती है, तो इस तरह के प्रश्न भी इसमें देखे जाएंगे जलवायु से। सब टॉपिक आपको मिल जाएगा, आपके पास जीके का बुक है, आप खड़े इसको पलटिए। फिर जनगणना से प्रश्न, जो कि 2011 में जो जनगणना हुआ था, उससे भी प्रश्न आपको जरूर 1-2 मिल जाएंगे कि किस राज्य की जनगणना कैसे है, औसत में क्या है, क्षेत्रफल में कौन सा है, ये सब तरह के प्रश्न जनगणना से मिलेंगे आपको। हर एग्जाम में रहता है, ऐसा नहीं कि ये एग्जाम में, हर एग्जाम में रहता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको जरूर आप लोग देखिएगा। इसको एग्जाम से पहले भी देख सकते हैं, अभी नहीं भी देखिएगा, एग्जाम से 2-3-4-5 दिन पहले इसको जरूर देखिएगा। फिर मिट्टी से प्रश्न आते हैं, मतलब अगर मान लीजिए कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, कहाँ पाई जाती है काली मिट्टी, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है, तो इस टाइप के प्रश्न मिट्टी से भी बहुत सारी मिट्टियाँ हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, है ना, बहुत बलुआई मिट्टी, तो बहुत सारी है। फिर कृषि से भी आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, कृषि से संबंधित बहुत सारी योजनाएं आती है, उससे प्रश्न मिलेगा। अभयारण्य कितने हैं भारत में, कहाँ हैं, क्या खासियत है उसका, उससे प्रश्न, ज़्यादा डीप में नहीं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो और भी एग्जाम में पूछा गया है उसको देखिएगा, वहाँ से प्रश्न आपको, प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे अभयारण्य से, ठीक है। और भी इसमें
टीसीएस भी पूछे जाएंगे। तो इतना आप लोग को पहले कर लेना है, उसके बाद देखना है। फिर इकोनॉमिक्स बात करें तो इकोनॉमिक्स पे आप लोग को उतना ध्यान नहीं देना है, इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा कम पढ़िएगा, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा रिपोर्ट को पढ़ लीजिएगा। रिपोर्ट वगैरह से प्रश्न आते हैं कि वन रिपोर्ट क्या है, इस बार का क्षेत्रफल कितना है, तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। फिर सूचकांक आता है कि किस सूचकांक में इस बार कौन सा देश किस स्थान पर है, तो इस तरह का प्रश्न भी कभी कभी आता है। तो ये सब तो करंट अफेयर्स हो जाता है, लेकिन करंट अफेयर्स इसका संख्या हम बताएंगे कितना है और क्या पूछा जाता है इसमें। फिर आयोग से संबंधित भी प्रश्न आते हैं कि नीति आयोग हो गया, जैसे पहले योजना आयोग था उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, तो उससे प्रश्न कभी कभी देखे जाते हैं। फिर योजनाएं का अगर बात कर लें तो पंचवर्षीय योजना, हाँ देखिए इकोनॉमिक्स से अगर प्रश्न आएगा तो पंचवर्षीय योजना से प्रश्न जरूर आएगा आपका, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय प्रश्न क्या खासियत है, कब हुई थी, क्या उद्देश्य रखा गया था ना, इस टाइप का प्रश्न योजना जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर इसको पढ़िएगा तो योजना जरूर आप लोग किसी भी बुक से पढ़ लीजिएगा पंचवर्षीय योजना को, ठीक है। फिर अगर पॉलिटी का बात कर लें, हम पॉलिटिकल साइंस का बात कर लें, तो यहाँ पे संविधान के प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। संविधान का लें, संविधान बहुत बड़ा है, संविधान से जुड़ी बहुत बातें हैं, तो संविधान से जितनी भी बातें जुड़ी है, मतलब संविधान कहाँ से लिया गया है, कहाँ का स्रोत क्या है, प्रस्तावना क्या है संविधान का, संविधान सभा क्या है, तो ये सब तरह का और बता दें आपको। फिर अनुच्छेद को आप लोग को देख लेना, अनुच्छेद भी पूछता है, दो तीन अनुच्छेद आपको जरूर पूछ देगा, जो भी हिट अनुच्छेद है अनुच्छेद वहाँ देख लीजिएगा। आपात से प्रश्न, आपात तीन प्रकार के थे, वो भी मैंने बता दिया है अनुच्छेद में, उसको भी देख लीजिएगा। पंचायती राज से प्रश्न आते हैं, अनुसूची से प्रश्न आते हैं, भाग से प्रश्न आते हैं, इसको आप लोग देख लेना, बताया गया है मेरे चैनल पर, ठीक है। बस वीडियो से आप लोग का क्लियर हो जाएगा सब कुछ। फिर बात कर लेते हैं इसमें विविध से प्रश्न आते हैं, मतलब मिसलेनियस कर सकते हैं, ये सब हो गया टॉपिक। थोड़ा सा प्रश्न मिसलेनियस से आता है, मतलब मिक्स क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम कौन है, भारत में ये प्रथम कौन किया है, पहला क्या है, इस टाइप के प्रश्न भी लुसेंट में आपको पीछे मिल जाते हैं विविध के प्रश्न, तो उसको आप लोग अगर देख लेते हैं तो विविध के प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। जैसे खेल से कुछ प्रश्न आ जाएगा कि इस खेल का मतलब कहाँ खेला जाता है, किस प्रकार का खेल है, क्या उसकी खासियत है। फिर पुस्तक लेखक, कुछ लेखक का नाम दे देगा, पुस्तक दे देगा, तो ये सब कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन ये विविध में आते हैं, तो इसको पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग पहले से ही पढ़े होंगे तो जानते होंगे। फिर बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा करेंट और बिहार स्पेशल, क्योंकि आप लोग का प्रश्न होगा कि बताइए कि करेंट और बिहार स्पेशल से कितने प्रश्न आते हैं, तो आपको में बता देना चाहते हैं कि करंट और बिहार स्पेशल से 5 प्रश्न से ज्यादा आप लोग को नहीं दिखेंगे, लेकिन आप लोग को लगेगा कि नहीं बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा बिहार पुलिस के लिए। बिहार स्पेशल में तो मात्र 1 से 2 प्रश्न आपको मिलेगा, वो भी 2 प्रश्न आपको हो सकता है ज्योग्राफी से संबंधित हो या हो सकता है हिस्ट्री से संबंधित हो। जैसे अगर प्रश्न अगर मौर्य काल से आता है कि मौर्य से प्रश्न आ गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री कर सकते हैं कि यह प्राचीन से प्रश्न पूछा गया, लेकिन मौर्य पटना की धरती था, पाटलिपुत्र की धरती था, तो यहां से अगर प्रश्न आते हैं तो कह सकता है कि बिहार स्पेशल पूछा जा रहा है, बिहार का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह भी कह सकते हैं। तो वही होता है कि कभी से प्रश्न पूछ दिया तो लगा कि भाई बिहार से प्रश्न पूछा रहा है, बिहार स्पेशल पूछा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो हिस्ट्री में भी आप काउंट हो। देखा जाए कि बिहार स्पेशल में ये भी पूछा सकता है कि अभ्यारण के बारे में पूछा जाएगा, तो ज्योग्राफी से रिलेट करके पूछा जाएगा कि बताइए कि वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण कहां है, तो बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में, तो वहां पे है, तो हो सकता है ये कह सकते हैं बिहार स्पेशल पूछा गया है, लेकिन ये भी तो कह सकते हैं कि ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा गया है, अभ्यारण से प्रश्न पूछा गया है, तो ये होता है बिहार स्पेशल के उतने प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। बिहार दरोगा में भी उतने नहीं आते हैं, बिहार दरोगा में उतना नहीं पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछा जाता है बिहार स्पेशल बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, ये नहीं कि बस तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल पूरा पढ़ लिए और जीके पढ़े हैं, तो कैसे होगा, यहाँ दिमाग से तैयारी करना है तब जाकर स्कोर आप कर पाएंगे। तो करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल के 5 प्रश्न आपको मुश्किल से देखने को मिलेंगे, वो भी नहीं के बराबर। तो ये था आज का सिलेबस बिहार पुलिस से संबंधित। बिहार पुलिस पर और भी वीडियो रहेगा जिससे आप लोग का हेल्प होते रहेगा, छोटा छोटा वीडियो जो भी आप लोग का डिमांड होगा वो वीडियो हम लाते रहेंगे। बुक पे भी वीडियो आने वाला है, बिहार दरोगा पे भी बहुत सारे वीडियो हम लाएंगे, तो आप लोग बस जुड़े रहिएगा हमसे। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है, अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसको एक लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।